एंड द साइकिल कंटिन्यूज। जी हाँ, ये कहना है विद्युत जामवाल का। किस साइकिल की बात हो रही है? ये बात हो रही है नेपोटिज्म की, कहीं ना कहीं गैंगिज्म की, और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म की। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। किस तरीके से आउटसाइडर्स को, किस तरीके से न्यू कमर्स को वेल ट्रीट नहीं किया जाता, अब ये साइकिल जो है कंटिन्यू हो रही है। मैं आपको बताती हूँ, एक पोस्ट यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 7 फिल्म्स रिलीज़ की जाने वाली है, और इन 7 फिल्म्स का जो लेखा जोखा है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने रिवील किया कि टुडे वी आर गोइंग टू अनाउंस 7 बिग फिल्म्स। जी हाँ, 7 बड़ी फिल्में डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिलीज़ करने वाली हैं, और इस 7 फिल्मों की लिस्ट में 5 ही लोगों को इन्विटेशन दिया गया एक लाइव यू नो वीडियो करने के लिए, जहां पर ये लोग आपस में अपनी फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको फिल्म्स बताती हूं। सबसे पहले अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, उसके बाद अजय देवगन की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, उसके बाद वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1, फिर अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2। ये 5 फिल्में हैं, ये 5 एक्टर्स हैं जिनको प्रेजेंटेशन दिया गया, जिनको लाइव इनविटेशन दिया गया। लेकिन और 2 फिल्में, 7 फिल्मों में से और 2 जो फिल्में हैं, यानी कि खुदा हाफिज और लूट केस, ये दोनों ही फिल्में, यानी कि बात की जाए विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू, इन दोनों ही एक्टर्स को ना ही कोई इनविटेशन भेजा गया इस लाइव के लिए, ना ही इन्फॉर्मेशन दी गई। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है, यू नो पार्शियलिटी का जो साइकिल है, ये अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। इस बात का जवाब जेन्युइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जो यू नो CEOs हैं, जो भी मेकर्स हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर 7 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, 5 को लेकर, 5 बड़ी फिल्मों को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी की 2 फिल्में और उनके एक्टर्स को पता भी नहीं है कि एक ऐसा सम्मेलन किया जा रहा है और एक ऐसी चीज़ हो रही है जहां पर फिल्म्स रिलीज़ की बात हो रही है, जबकि आप 7 फिल्म्स की बात कर रहे हो, लेकिन इन्वाइट आपने सिर्फ 5 बड़े सितारों को किया है, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को, वरुण धवन को, आलिया भट्ट को और अभिषेक बच्चन को। वाई नॉट विद्युत जामवाल एंड कुणाल खेमू? तो कहीं ना कहीं इसी तरह के भेदभाव से अभी भी लोगों की आँखें नहीं खुली हैं। विद्युत जामवाल के स्वीट पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? क्या विद्युत जामवाल की बात से आप सहमत हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि द साइकिल कंटिन्यूज? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।